कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हे दुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। नवोत्कर्ष की शुरुआत हुई तभी से मैं इस नवोत्कर्ष से जुड़ा हुआ हूँ। तो इसका जब नामकरण हुआ तो उस समय काफी नाम सामने आए, कुछ बहनों ने भी सुझाए, कुछ मैंने मेरे साहित्य के साथियों से भी बात की और सबसे विचार विमर्श करने के बाद फिर इसका जो एक सर्वसम्मति से नाम तय हुआ वो नवोत्कर्ष तय हुआ। अनेक अनेक कार्यक्रम जैसे कि नवोत्कर्ष और यदि आप विधि में देखें तो उसमें न्याय उत्सव, आप यदि गृह विज्ञान में देखें तो उसमें ह्यू, ऐसे आदि कार्यक्रम इसमें होते हैं। तो नवोत्कर्ष जो है कई वर्षों से छात्राएं बहुत अच्छी तरह से इसका आयोजन कर रही है। I really enjoyed every bit of my stay in Banasthali with respect to education, with respect to our hostel life, the food, the safety and the environment that we cherished during that time. And this will be there with me throughout my life. It was very enriching. We had participated in Navotkarsh during that period of my stay in Banasthali, and I had participated in a skit also out there. Those 2 days of our function has been very enriching for us because it brought into so many new cultural, rich cultural experiences for each one of us during that time, and we really enjoyed the rich Rajasthani cuisine food during those 2 days. And though hostel food has always been awesome, but we had a variety of dishes arrayed in front of us, and we really enjoyed and had a very gala time during that time. ये जो कार्यक्रम होते हैं जिन्हें फेस्ट कहा जाता है, पर इनको मैं एक बहुत बड़ी सीखने की अपॉर्चुनिटी, एक सीखने का अवसर मानता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें महीने सीखती हैं। मूल रूप से ये कैसे किसी कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है, कैसे कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, उससे संबंधित सारी जानकारी इसमें होती है। इसमें बहनें ये सीखती हैं कि कैसे योजना बनाई जाए कार्यक्रम की, कैसे उसे कोऑर्डिनेट किया जाए, कैसे उसे कार्यान्वित किया जाए, कैसे उसके लिए साधन इकट्ठे किए जाएं, और कैसे जो है सबसे बड़ी बात, कैसे एक समूह के अंदर जो है व्यवहार किया जाए, कैसे एक समूह को साथ में लेकर के चला जाए। आप तो मैनेजमेंट के विद्यार्थी हैं, ग्रुप बिहेवियर पढ़ते हैं, एक इंडिविजुअल बिहेवियर और ग्रुप बिहेवियर में बहुत बड़ा फर्क होता है। अर्थशास्त्र भी कहता है कि माइक्रो इकोनॉमिक बिहेवियर और मैक्रो इकोनॉमिक बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो कैसे एक समूह को साथ लेकर चला जाता है, कैसे एक समूह के अंदर निर्णय लिए जाते हैं, कैसे उस समूह के अंदर जो है वो समन्वय बिठाया जाता है, ये सारी बातें आप उसमें सीखते हैं। नेतृत्व क्षमता आपकी विकसित होती है, अलग अलग समितियां बनती हैं, सभी में जो है वो महीनों को एक अलग अलग स्वरूप में जो है नेतृत्व प्रदान करना होता है। तो नेतृत्व क्षमता विकसित होती है और
आपको एडजस्ट करना आता है एक दूसरे के साथ, और सबसे बड़ी बात जो मैं इसको मानता हूँ ये होता है कि आप में आत्म कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जो है वो विकसित होता है, और आपकी में जो की जो क्रिएटिविटी है, जो सृजनता है, वो सृजनता जो है वो उभर कर आती है, वो भी और विकसित होती है। और मैं ये मानता हूँ कि इन सब बातों में सर्वोपरि चीज जो है वो है अनुशासन है, कि इन सभी कामों को हमें करना है, बखूबी करना है, पर पूर्ण अनुशासन के साथ करना है। अगर अनुशासन नहीं है तो फिर मैं मानता हूँ कि इन कार्यक्रमों का कोई महत्व नहीं है। ये कोई केवल मतलब ये कोई फेस्ट मेला नहीं मानता मैं इसको, ये एक शैक्षिक गतिविधि। I participated in Navotkarsh and did Tatya dance and many other performances too. Meanwhile, I also choreographed other dances of my batchmates. This could be the best thing because you explore yourself and give your skills in management, in cultural activities and many other sessions too. I remember how we used to enjoy all these fests and meets. I remember taking part in quiz competition. We had a lot of brainstorming, a lot of learning. We had some secret strategies even so that we could win. I must say that it was a wonderful experience being a part of Banasthali family, and I must say that Banasthali has given me the awesome platform to enrich myself. I was a sponsorship committee head, and frankly us Banasthali mein us time pe I had no information ki sponsorship ka S kya hota hai, kahan se shuru hota hai, but use na jante hue bhi us टाइम पे 3 लाख रुपए इकट्ठा करना मुझे लगा कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। एंड आई बिलीव अगर हिम्मत हो और ताकत हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। सो आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि जो चाहिए लाइफ में उसके पीछे पड़ जाओ टू अचीव जब तक ना मिल जाए। सो आई थिंक नथिंग इज इम्पॉसिबल। So girls out there, I wish you all the best for your career and future. Thank you very much. वर्ष भी नवोत्कर्ष का जो आयोजन कर रहा है उसमें हम जो छात्राओं में जो विश्वास है और छात्राएं जो गतिविधियां कर रही हैं तो उसके अंदर हमें सबको बड़ा आनंद आ रहा है कि बच्चे कितने उत्साह से नवोत्कर्ष में जुटे हुए हैं। और नवोत्कर्ष में अनेक गतिविधियां जो सारी एकेडमिक नेचर की है वो सारी इसमें हो रही है, और प्रयास इसमें यही है कि बच्चों में उद्यमिता और साथ ही भारतीय संस्कृति के प्रति जो सही भाव, उन सबको हम और प्रोत्साहन दें। और मेरी सभी को शुभकामनाएं जो इसी नवोत्कर्ष से जुड़े हुए।